Hello friends, welcome back to my channel English Tutorial. Let's start today's video. तो आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रीपोजिशन की कैटेगरीज के बारे में कि टोटल कितने टाइप्स की कैटेगरीज होती है. हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था. अब हम नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में पढ़ते हैं जो कि है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होती है? तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हमें डिस्क्राइब करती है लोकेशन के बारे में, ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ कहाँ पर लोकेटेड है या कहाँ पे हो चुकी है या फिर कहाँ पे कोई चीज़ होने वाली है. मतलब इन शॉर्ट देखा जाए तो वो हमें लोकेशन बताती है कोई भी चीज़ की, ठीक है, कोई भी पर्सन की, कोई भी थिंग की. तो जब हमें लोकेशन पता पड़े तब हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यूज करते हैं. अब प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में हम कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं? एट, इन, ऑन, बाय, नियर, या फिर हम बोल सकते हैं नियर भी यूज हो सकता है या फिर क्लोज टू, डिपेंड ऑन द सेंटेंस. नेक्स्ट टू, बिसाइड, बिटवीन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, अबव या फिर ओवर, बिलो या फिर अंडर. अब इनका मीनिंग समझ लेते हैं क्योंकि अगर इनका मीनिंग हमें पता पड़ जाएगा तो हमें ये इजी हो जाएगा एक सेंटेंस में यूज करने में. तो सबसे पहले बात आती है एट की. एट हम कब यूज करते हैं? एक स्पेसिफिक टाइम या फिर एक स्पेसिफिक लोकेशन. तो जब हम एक स्पेसिफिक टाइम या फिर लोकेशन बता रहे हो तो हम एट का यूज करेंगे. इन हम कब यूज करते हैं? कोई भी चीज किसी चीज के अगर अंदर है तो हम इन का यूज करेंगे, ठीक है. तो एनक्लोज स्पेस. ऑन का यूज कब करेंगे? कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर अगर है तो हम ऑन का यूज करेंगे. तो सरफेस और टॉप ऑफ थिंग. अभी सरफेस मैंने क्यों बोला है? क्योंकि जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर भी अगर कोई चीज रखी है तो यानी कि वो उसके ऊपर रखी है या फिर कोई भी चीज के ऊपर, ठीक है. बाय हम कब यूज करेंगे? बाय या फिर नियर या फिर क्लोज टू, ये तीनों ही हम यूज कर सकते हैं. कब यूज करेंगे? जब कोई भी चीज छोटी दूरी पर हो या फिर कम दूरी पर हो, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस नहीं हो, शॉर्ट डिस्टेंस हो. तो हम इसको समझने के लिए लिख सकते हैं लैक ऑफ डिस्टेंस, यानी कि छोटी दूरी पर, मतलब एक कमरे से दूसरे कमरे में. अभी उनमें कितना छोटा डिफरेंस रहेगा तो उस उन चीजों में हम बाय, नियर या फिर क्लोज टू यूज करेंगे. इसको हम और डिटेल में समझेंगे सेंटेंसेस में, ठीक है. अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. अब आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट टू बिसाइड. अब नेक्स्ट टू बिसाइड यानी कि बगल में, ठीक है. मेरे कोई भी एक पर्सन या फिर कोई भी एक चीज है उसके बगल में जो चीज रहेगी तो उनका रिलेशनशिप हम किसके थ्रू बताएंगे? नेक्स्ट टू या फिर बिसाइड प्रीपोजिशन के थ्रू. तो हम क्या लिख सकते हैं? एडजेंसी, ठीक है. अब बिटवीन, कोई भी चीज अगर बीच में है, यानी कि वन थिंग और सेकंड थिंग के बीच में अगर कोई चीज है या फिर वन पर्सन या सेकंड पर्सन के बीच में कोई चीज है तो हम क्या यूज, कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? बिटवीन, ठीक है. मिडिल ऑफ टू थिंग और पर्सन, बिहाइंड. बिहाइंड मीन्स जो भी कोई भी चीज के
पीछे है, ठीक है, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पीछे जो चीज है उन दोनों का रिलेशनशिप हम बिहाइंड प्रिपोजिशन के थ्रू बताएंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, समथिंग एट द बैक, ओके। नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने। अभी बिहाइंड हमने कब यूज किया था, कोई भी चीज किसी भी चीज के पीछे है, अब कोई भी चीज किसी भी चीज के आगे है तो हम इन फ्रंट ऑफ यूज करेंगे, बिफोर समथिंग एट द बैक, और ये आ जाएगा हमारा बिफोर समथिंग। अच्छा कोई भी चीज कहाँ पर है, पीछे है, आगे है, बीच में है, नीचे है, ऊपर है, तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें प्लेस बता रहा है। तो ये सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है। अभी ये जरूरी नहीं है कि हम किसी सिटी या किसी कंट्री या पर्टिकुलर एक एड्रेस की ही बात करें तो ही वो प्लेस कहलाएगा, नहीं, कोई भी चीज पीछे हो, आगे हो, बीच में हो, पास में हो, बगल में हो, ठीक है, कोई किसी भी चीज के ऊपर हो तो भी हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की कैटेगरी ही यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अबव ओवर, यानी कि कोई भी चीज किसी भी चीज से अगर हायर है, समथिंग हायर देन समथिंग, ठीक है, वहीं पे इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, बिलो या फिर अंडर, लोअर देन, ठीक है। अब इनको सेंटेंस में ये कैसे यूज होंगे और कौन सा प्रीपोजिशन कौन से सेंटेंस में यूज होगा वो आप हम देख लेते हैं। तो दीज आर अवर सम एग्जांपल्स जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में कौन कौन से प्रीपोजिशंस आएंगी वो यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सेंटेंसेस की, कौन से प्रीपोजिशन हम लगाएंगे, ठीक है। पहला सेंटेंस देख लेते हैं, द हंटर एम्ड डैश द बर्ड, ठीक है, एक शिकारी ने बर्ड पे निशाना लगाया, एम्ड द बर्ड, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस में हमें क्या पता पड़ रहा है, एक स्पेसिफिक लोकेशन की बात हो रही है कि किस पे निशाना लगाया, बर्ड पे। तो जब हम स्पेसिफिक लोकेशन की बात कर रही हूं तो हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, एट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, राहुल इज प्लानिंग टू स्टे डैश द होटल, राहुल होटल में रुकने की प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे होटल ये हमारा क्या आ गई, एक स्पेसिफिक लोकेशन आ गई, तो स्पेसिफिक लोकेशन में हम क्या लगाएंगे, एट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द राइस इज डैश द कैबिनेट, चावल कैबिनेट के अंदर है, ठीक है। तो कैबिनेट के अंदर है यानी कि कोई भी चीज अगर किसी चीज के अंदर हो तो हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, इन, इन कब लगाया जाता है, टू डिस्क्राइब enclosed स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो राइस है वो कैबिनेट के अंदर है, तो हम क्या लगाएंगे, द राइस इज इन द कैबिनेट। नेक्स्ट सेंटेंस, शी कंप्लेन्स ऑफ पेन डैश हर आर्म, उसने अपने हाथ के दर्द की शिकायत करी। अब जो दर्द है वो कहाँ हो रहा है, हाथ में हो रहा है यानी कि अंदरूनी दर्द है,
तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? इन, ठीक है। नेक्स्ट है लीव द कीज डैश द टेबल, टेबल के ऊपर चाबियां रख दो या छोड़ दो। तो कोई भी चीज किसी भी चीज के ऊपर है तो हम क्या लगाएंगे? ऑन, ठीक है। लेट अस गो डैश आवर फूड, चलो अपने पैरों पर चलते हैं। तो हमने क्या बात करी थी कि कब हम ऑन का यूज करेंगे? जब हम किसी सरफेस या किसी भी चीज के ऊपर रखने की बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो फुट हमारे कहाँ पे रखाएंगे? सरफेस पे रखाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? ऑन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। द सिनेमा हॉल इज डैश दी मार्केट, सिनेमा हॉल मार्केट के बगल में है। तो हम क्या लिख सकते हैं? नियर बाय, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस। द सिनेमा हॉल इज डैश मार्केट, तो सिनेमा हॉल मार्केट के बगल में है, तो नियर बाय। कम एंड सिट डैश मी, यहां पे क्या आ जाएगा? नेक्स्ट टू मी, मेरे बगल में बैठो। अब जब हम शॉर्ट डिस्टेंस की बात करेंगे तो हमने कौन कौन से प्रिपोजिशन देखे थे? नेक्स्ट टू भी लगाया जा सकता है और बिसाइड भी लगाया जा सकता है या फिर नियर बाय भी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो अब वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम क्या लगाएंगे। द सिनेमा हॉल इज नियर बाय मार्केट, कम एंड सिट नेक्स्ट टू मी। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हमने प्रीपोजिशन लगा दिए, ठीक है। मैनी पीपल कंसिडर इट रूड टू सिट डैश द स्ट्रेंजर इन अ मूवी थिएटर। मूवी थिएटर में किसी भी स्ट्रेंजर के साथ बैठना बहुत से लोग पसंद नहीं करते, ठीक है। तो स्ट्रेंजर के साथ बैठना यानी कि बगल में बैठने की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? नेक्स्ट टू द स्ट्रेंजर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है हमारा, देयर इज अ बुक डैश टू सेल्फ, शेल्फ यानी कि एक बुक दो शेल्फ के बीच में रखी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? बिटवीन। कोई भी एक चीज या दूसरी चीज के बीच में जो भी चीज रखाएगी तो हम बिटवीन प्रीपोजिशन यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। डोंट मेक नॉइज इन फ्रंट ऑफ टीचर सेड हीरा। हीरा ने क्या कहा कि टीचर के सामने शोर मत मचाओ, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस में हमारा प्रिपोजिशन क्या हो गया? इन फ्रंट ऑफ यानी कि किसी के सामने। मिताली स्कोर डैश 90 मार्क्स इन सब्जेक्ट मैथ्स, ठीक है। मतलब मिताली ने 90 मार्क्स मैथ सब्जेक्ट में स्कोर करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि 90 मार्क्स अबव। अबव हम कब लगाते हैं? जब हम हायर की बात करें, ठीक है। ऑल चिल्ड्रन फेयर घोस्ट डैश देयर बेड, सारे चिल्ड्रन डर रहे थे भूत से जो कि बेड के नीचे था यानी कि बिलो देयर बेड, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल
like my today's video. For more interesting videos, please subscribe to my channel and press the like button. Thank you.